और अब क्या बोलते रहते हो पापा को कि मुझे मेरे काम में हेल्प करे। आई नीड माई ओन स्पेस माँ। तू पहले अपनी चीजें संभाल, मुझे रूम प्रूफ कर, तब जाके मैं ये सब बोलना बंद करूंगी। माँ आप शायद समझे नहीं, आई जस्ट नीड माई ओन स्पेस। आकाश आकाश अभी तक तो तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए, हर चीज से भागोगे तो वो कभी काम नहीं आएगा तुम्हें। तू यहाँ क्या कर रहा है? वही जो आप कर रहे हो। देख मैं बिल्कुल भी मस्ती के मूड में नहीं हूँ। तू घर से निकल के कैसा है बे? माँ सो रही थी और दरवाजा भी खुला था, और तावड़े आजकल नाइट शिफ्ट पे सिर्फ सोने को जाते हैं, पगार काटनी चाहिए। ये मैं कहाँ फंस गया यार, मैं कैसे समझाऊं इसको? बेटा तेरी इतनी बुरी लगने वाली है ना, घर पे सब टेंशन में होंगे और माँ ऐसा सूतेगी ना तेरे को। माँ ना घर पे सोशल टेंशन की हेड बने फिरती है। आपको पता है उन्होंने मेरी EVS की ट्यूशन ज्वाइन कराई है, अब घोचू की तरह EVS पर हूँ मैं। सुन मैं तेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, ठीक है? मेरी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तू समझ रहा है ना? इसको बंद कर। क्या प्रॉब्लम लगा रखा है आपने? अबे सुन तू छोटा है, तू नहीं समझेगा कि बड़े अपनी प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं। आप अकेले पुणे जा रहे हो, आपको रास्ते में कुछ हो गया तो? तू मेरे को मत बता ठीक है, तू छोटा है और मैं यहाँ तेरी थेरेपिस्ट नहीं हूँ यार कि मैं तेरी यहाँ पे बातें सुनूं बैठ के। यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ यार। ए खुद से बात करना बंद करो आप। सुन चुप कर समझा ना, तेरे से नहीं पूछूंगा मैं। और बेल्ट पहन, यहाँ पे सेंसर बज रहा है, और तेरे को पता है अपन हाईवे पे हैं। आपको पता है वो कंफर्टेबल नहीं है, मेरे को नहीं पहननी है ना। बेल्ट पहन, तेरे कंफर्ट की वजह से यहाँ पे नहीं अपन, समझा? बेल्ट पहन चुपचाप। नहीं पहननी है। बेल्ट पहन मैंने बोला तेरे को, बेल्ट पहन। तंग करके रखे सच्ची पूरा टाइम। हाँ, मैंने तंग कर रखा है तेरे को, तूने तंग कर रखा है मेरे को। अच्छा भला अकेला जा रहा था मैं, आ गया बीच में उठ के। एक सेकंड। अरे माँ क्यों फोन कर रही मेरे को यार? उछालो सारी परेशानी आपको ऐसे होती है। चुप कर समझा, तू मत बता मेरे को क्या है। घर पे भी मैं लड़के हूँ, तुम सब मेरे को परेशान करने को। The hell is wrong with you? देखो पुणे चलना है तो चुपचाप बैठे रहे। चलना है पुणे या नहीं चलना? चलना है पुणे या नहीं चलना तो चुपचाप बैठा रहे। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है। हिरे जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। अरे रुको 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 रुको, क्या हुआ? अरे प्लीज रुको ना एक सेकंड साइड में। अरे यार एक रुका यार प्लीज।
अरे सुनो ना, मुझको ना बहुत जोर से सुसु आई है। आसपास कहीं कर सकता हूँ क्या? प्लीज प्लीज। क्या कर रहा है तू यार? आप बहुत सीरियस हो यार। थोड़ा सीरियस होना पड़ता है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हम पे। आप लाइफ को इतना सीरियसली लोगे ना, तो लाइफ आपको ही सीरियसली ना बंद कर देगी। अगर लाइफ हमेशा इतनी इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होती है? अगर लाइफ हमेशा इतनी इंटरेस्टिंग होएगी तो पेट्रोल खत्म नहीं हो जाएगा, और समझो आगे कोई प्रॉब्लम भी आए तो बस इन्हीं यादों को याद करके मुस्कुरा लो, बाकी सब सॉर्ट हो जाएगा। मैं तुझे कब से बोल रहा हूँ सब सॉर्ट नहीं होता है, और कैसे होगा यार? इसी याद ने तो, ये बहुत अनफेयर है यार। पता है मैं 6th स्टैंडर्ड में था और एक रात भाई के साथ मैं यूं ही पुणे चला गया था, बस यूं ही। उसी ट्रिप पे हम क्लोज हुए थे। कैसे मुझसे याद छीन सकते हैं यार? एक कार एक्सीडेंट में मरना था क्या? मुझे नहीं बैठना है स्टीयरिंग व्हील पे। मुझे भी बैठना है उधर उस पैसेंजर सीट पे, बिल्कुल तेरी तरह। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है साला, लाइफ का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आप अकेले पुणे जा रहे हो? खुद से बात करना बंद करो आप। कभी कभी अपने बचपन से भी बात कर लेनी चाहिए, वरना लाइफ को सीरियसली लेने लग जाओगे। और अगर लाइफ को इतना सीरियसली लिया ना, तो लाइफ आपको सीरियसली लेना बंद कर देगी।